नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आरपीएससी की ओर से सेकंड ग्रेड हिंदी रिजल्ट 2018 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि आपका जो हिंदी का रिजल्ट है आपके, वह आपके आज या कल में जारी किया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, हिंदी का जो रिजल्ट है आपके, वह आरपीएससी कल तक जारी कर देगी। दोस्तों साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हिंदी का रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ आपके एसआई भर्ती 2016 का जो रिजल्ट है, वह भी आपके अगले सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। और कल तक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एसआई के पदों का वर्गीकरण और सेकंड ग्रेड हिंदी का रिजल्ट दोनों आपके जारी हो जाएंगे। और फिर सोमवार को आपको जो एसआई भर्ती का रिजल्ट है, वह आपके जारी कर दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2019 का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वह आपके अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। और अगले सप्ताह के लास्ट तक आपके फर्स्ट ग्रेड के ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो पूरी न्यूज़ पर चलने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, हमने आरपीएससी पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए अलग अलग स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आज की राजस्थान पत्रिका की ऑफिशियल न्यूज है कि आरपीएससी की फुल कमीशन की बैठक में निर्णय, बाड़मेर पेपर वायरल मामले में होगी छानबीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पर आया था हिंदी का पेपर। दोस्तों आपके जो बाड़मेर में है वो हिंदी का पेपर है, जो ओ सीरीज का पेपर है वो आपके व्हाट्सएप पर आया था, जिसे बाद में आरपीएससी ने मानने से इनकार कर दिया था। तो पूरी न्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत व्हाट्सएप पर आए हिंदी के पेपर के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गहन छानबीन करवाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है इस पेपर लीक मामले की अब गहनता से छानबीन करवाएगा, और तब तक बाड़मेर केंद्र पर बैठे विद्यार्थियों का जो परिणाम है वह सीलबंद रखा जाएगा। इस मामले में बुधवार को आयोग की फुल कमीशन की बैठक में यह चर्चा की गई। आयोग के वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत बीते साल 1 नवंबर को सुबह 9 से और 11:30 बजे तक हिंदी का पेपर हुआ था, और बाड़मेर में व्हाट्सएप पर हिंदी के विषय की जो ओ सीरीज का पेपर था दोस्तों, वह आपके आ गया था। आयोग और पुलिस की गहन पड़ताल में यह एक और कॉलेज और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और पार्षद को चिन्हित किया गया था। इसके अलावा कॉलेज में परीक्षा से पहले सीसीटीवी कैमरा बंद होने और केंद्राधीक्षक की कथित मिलीभगत भी सामने आई थी। आयोग ने बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसमें काफ़ी विलंब हुआ था और परिणाम सील बंद रखने पर चर्चा। तो आयोग वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 के विषयवार परिणाम जारी कर रहा है, और लगभग सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब उसे हिंदी विषय का जो परिणाम है वह जारी करना है, और बुधवार को इस मामले में फुल कमीशन की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि बाड़मेर के उस केंद्र के जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट आपके सील बंद रखा जाएगा, और बाकी विद्यार्थियों का रिजल्ट आपके जारी किया जाएगा। तो दोस्तों कल तक आपके, आज या कल में आपके जो हिंदी का रिजल्ट है दोस्तों, वह आपके जारी कर दिया जाएगा। और वहीं जो एसआई के पदों का वर्गीकरण है वह भी आप कल तक जारी कर दिया जाएगा, और एसआई भर्ती 2016 का जो रिजल्ट है आपके, वह आपके सोमवार को जारी हो जाएगा। वहीं जो आपके फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2019 है, उसका जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वह आपके अगले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, और अगले सप्ताह के लास्ट तक आपके फर्स्ट ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।